एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रवण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, ऐसे परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा श्रमण को कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब उनकी वाणी का अमृत पान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर ने जिन्होंने साधना, ज्ञान, आचरण को सर्वोपरि स्थान दिया, उस प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने चर्चा चली है एकत्व भावना। क्या है एकत्व और किसने एकत्व का चिंतन किया, उसने मोक्ष का सुख लिया। यहां रहते रहते भी आप उस सुख को ग्रहण कर सकते हो। रहोगे संसार में सब कुछ करते हुए भी, यदि आपकी दृष्टि निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, आपका केंद्र आत्मा पर है, सब कुछ करते हुए भी तुम सुखी रह सकते हो और अपने जीवन की यात्रा को सफल कर सकते हो। क्या है एकत्व भावना? मेरे का पुत्र ने जब उस मुनि को देखा ग्वाक्ष में रहते हुए अपने महलों में आमोद प्रमोद के साधन, एक तपस्वी, तेजस्वी, संजीवी मुनि को राजमार्ग में आते हुए देखा, उनकी दृष्टि वहां टिक गई, देखते देखते चिंतन चला, ऐसे मुनि को मैंने पहले देखा है। जीवन में चिंतन का बहुत महत्व होता है। आप चिंतन किसका करते हैं, अपने मन से पूछो। 24 घंटे में हमारा चिंतन किस पर है? क्या चिंतन धन कमाने के लिए, व्यापार को बड़ा करने के लिए, सुख सामग्री के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, नाम, पद, यश प्राप्ति के लिए यदि आपका चिंतन चलता है तो अभी आपको आत्मा की रुचि ही नहीं है। आपका सारा आकर्षण देह पर टिका है और आकर्षण देह का है तो देह मिलेगी, आकर्षण आत्मा है का तो आत्मा में रमन होगा और आत्मा से ढालिए की ओर जाएगी।
जैसा बीज डालोगे वैसा वृक्ष बनेगा। तो तुम्हारा अंतःकरण का बीज क्या है? भगवान ने दो धर्म बताए हैं, एक साधु का एक श्रावक। हिंसा नहीं करना, कैसे बच सकते हो? कैसे झूठ से बच सकते हो? कैसे रक्तदान से बच सकते हो? कैसे शील का पालन कर सकते हो? कैसे अपने रसनेन्द्रियों पर कंट्रोल कर सकते हो? एक शिविर किया कि मेरा जमीन का पचकान करा दो, याव जीवन तक पचकान करा दो। और कुछ लोग 50-50 साल तक भी जीवन जिमीकंद खाते हैं, आलू खाते हैं, तृप्ति नहीं आई अभी तक। शिविर में एक युवक आया, पहली बार शिविर किया, पचकान करा दो पूरे जिमीकंद का, कब तक? सारी जिंदगी। ये क्यों आया उसके जीवन में, तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं आ रहा? जब बार बार भगवान की वाणी कहती है कि जिमीकंद, जिमीकंद का मतलब जो जमीन के अंदर कंद है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, मूली है, गाजर है, शलगम है, कुछ भी है, वो जमीन के अंदर है, वो अनंत काय जीव है। और अनंत काय जीव में एक शरीर पर अनंत आत्माएं रहती हैं। तो उसको अभी तक आप छोड़ नहीं पाए, क्या आसक्ति है जिह्वा की? क्या वही खाने के लिए रह गया है? विचार करना, मैं किसी को बाध्य नहीं करता, मेरा कोई आग्रह भी नहीं है तुम छोड़ो, तुम खाओ भले ही खाओ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चिंतन चलता है कि 50 साल तक हम खाते रहे, कितना और खा लेंगे? 20 साल और खा लोगे, फिर छूटेगा, तो छूटना पहले छोड़ दो ना। यदि आपका चिंतन है, एक चिंतन है शरीर के प्रति, एक है आत्मा का, एक आकर्षण शरीर का है, एक है आत्मा का, और आत्मा का चिंतन करते करते तुम इतने भीतर चले जाओगे, कुछ जरूरत ही नहीं, ना तुम्हें बाहर घूमने की इच्छा, ना पिक्चर देखने की इच्छा, ना भोजन करने की इच्छा, ना स्नान करने की इच्छा, ना इसी में रहने की इच्छा, ना बातचीत करने की इच्छा। तुम अपने में आनंद एकत्व मिल गया, आनंद ही आनंद। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने एकत्व का सहारा लिया। कोई तीर्थंकर के साथ कितने ही राजकुमारों ने दीक्षा ली, अकेले भगवान ऋषभदेव के साथ 4000 साधु दीक्षित हुए राजकुमार, 4000, और धीरे धीरे सब छोड़ के चले गए भगवान को, भगवान अकेले रह गए, क्योंकि भोजन नहीं मिला, 13 महीने भोजन नहीं मिला। क्या भगवान को भूख नहीं लगती थी? जाते थे भिक्षा के लिए, भगवान जाते भी थे, नहीं मिलता था, पता ही नहीं भिक्षा क्या होती है। वो राजा थे, कोई हीरे देता, कोई जवाहरात देता, कोई अपनी बेटी भेंट कर देता, कोई आभूषण दे देता, लो, उनको पता ही नहीं भिक्षा देने की जरूरत क्या, भिक्षा ये भिक्षा लेंगे, ये तो राजा है, हीरे जवाहरात मिलते। और भगवान ने इशारा भी नहीं किया। 13 महीने के बाद, और एक निश्चित मान के चलना कि जो कुछ तुम्हें मिल रहा है, मिलेगा, मिला था, तुम्हारा अपना उदय कर्म है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, तुम्हारा अपना ही कर्म। जब पुण्य आता है तो सब जय जयकार हो जाती है, जब पाप आता है तो कोई घर के बेटा भी पूछने वाला नहीं, पत्नी भी पूछने वाली नहीं, ये तुम्हारा पुण्य और पाप का खेल है। और पुण्य पाप को धर्म मत जान लेना, पुण्य पाप धर्म नहीं है, पुण्य पाप तो क्रिया से आता है, और आता है और चला जाता है, धर्म स्थाई रहता है, पुण्य पाप स्थाई नहीं रहता। महावीर की वाणी का ध्यान करो। कुछ लोग भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, पुण्य इकट्ठा करो, पुण्यवान, गुणवान, धर्मवान, अच्छा है, पुण्य गलत नहीं है, पर पुण्य का उपयोग कब तक करते रहोगे? आकर पुण्य को भी छोड़ना है। पुण्य इतना जरूरी है कि तुम्हें धर्म मिल जाए, तुम्हें भगवान की वाणी मिल जाए, तुम्हें साधना मिल जाए, तुम्हें दृष्टि मिल जाए, तब तक पुण्य की आवश्यकता है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पुण्य की।
अर्जुन माली के पास कौन सा पुण्य था? ठोकरे ही ठोकरे मिली 6 महीने तक और कार्य सिद्ध कर लिया। दृष्टि पक्की थी कि कष्ट शरीर को होता है, मुझ को नहीं होता। इस साधना का बल। आज पंचम काल में हमारी सारी दृष्टि, लोग आते हैं हमारे पास, महाराज आशीर्वाद दे दो, एक फैक्ट्री और लग जाए। अभी कितनी लगी? 2 लगी, एक और खुल जाए, बेटा ऑस्ट्रेलिया चला जाए। बेटा ऑस्ट्रेलिया चले जाएगी, तुम्हारी फैक्ट्री लग जाएगी। तुम भले अपने आप तो पूछो, फैक्ट्री लगाने के बाद मेरा क्या होगा? मैं कर्मों का बंधन कर रहा हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं संसार के कर्म बंध से कैसे छूटूंगा? यदि ये भाव ही नहीं आता तो और संसार बढ़ा रहे हो, एक फैक्ट्री बेटे को और लगा के दे रहे हो। सारी दृष्टि बदलो, चिंतन किसका चिंतन है? उपवास करते भोजन की याद आती है, उपवास नहीं हुआ, और भोजन करते करते भी आपको उपवास आता है, क्या धन है वो लोग जो उपवास कर रहे हैं। मुझसे नहीं रहा जाता तो तुम धर्म के नजदीक जा रहे हो। चिंतन कैसा चल रहा है तुम्हारा? अपनी दृष्टि को बदलो, कारोबार को सीमित कर लो। तुम्हें कितना चाहिए और कितना मुझे चलता है? मिर्गा पुत्र को देखो, सब कुछ सुविधा है, राजकुमार है, कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं, पर दृष्टि का है। साधु को देखा, ये साधु मैंने देखा, कहाँ देखा, जरूर देखा। देखते 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 चिंतन गहरा हो गया, जाति श्रमण ज्ञान हो गया। क्यों हो गया? चिंतन करो, उसके पहले जन्म की साधना थी। जब तुम्हारी पहले जन्म की साधना होती है तभी साधना आती है, तभी ज्ञान होता है, तभी गुरु मिलते हैं, तभी साधना में आने का अवसर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। पहले जन्म की साधना थी, जाति समन ज्ञान, ओह मैं भी साधु बना था, मैंने पंच महाव्रत लिए थे, मैंने संयम का पालन किया था, संयम के पालन करने के बाद मुझे देवलोक मिला, देवलोक मिलने के बाद मुझे राज में जन्म हुआ। फिर चिंतन चला पीछे, ओहो मैं नरकों में गया, नरक के दुख सहन किए, मैं पशु बना, पशु के दुख सहन किए, अनंत बार सहन किए, ये तो कुछ नहीं। वैराग्य उमड़ा और अपने महल से नीचे उतरा, माता पिता को नमन किया, मैं आज्ञा चाहता हूँ दीक्षा लेनी, मैं आज्ञा चाहता हूँ दीक्षा लेनी। तुम्हारे भाव क्यों नहीं आते? इसका मतलब अभी रुचि कहाँ है? घर में है, रुचि संसार में है। तुम जानते हो सुख यही है। जैसे बारिश खीर मुझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा, आत्मा एक आत्म शब्द सबसे प्यारा है, सबसे ऊंचा है, सबसे गहरा है। एक आत्मा को साध लो, सब सब जाएगा। यदि आत्मा को नहीं साधा तो कुछ नहीं मिलेगा, पुण्य मिल जाएगा, फिर वापस लौटोगे। अपने भीतर गहन शांति का अनुभव करें। तुम्हारे भीतर समृद्धि है, सुख है, असीम शांति है। विचारों को महत्व ना दो, विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं।
अपने भीतर जानो और देखो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने अभी तक क्या किया है। एक शारणी है धारा की और शरण नहीं कोई, एक शारणी है धारम की और शरण नहीं कोई, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठा अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग, नमंग संति जस धम्म श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा, चत्तारी शरणम भवज्जामि, अरहंते शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, साहु शरणम भवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणम भवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मन। जैसे बारिश किरम झिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।